हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, क्या आप नेशनल दस्तक के दमदार पत्रकार शंभू सिंह को जानते हैं? शंभू सिंह को लेकर के इस समय एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, और वह कंफ्यूजन ये है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, या आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, या किसी और अन्य दल से चुनाव लड़ने वाले हैं? इसी को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो दोस्तों, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेशनल दस्तक के दमदार पत्रकार शंभू सिंह किस दल से चुनाव लड़ने वाले हैं। शंभू सिंह कोई साधारण सा नाम नहीं है। लगभग 10 वर्षों से शंभू सिंह सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज की आवाज को उठाने के लिए। बहुजन समाज पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो भी खबरें होती हैं, उसको वह अपने यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक से दिखाने का काम करते हैं, और बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। इसी बीच लोकसभा 2024 का चुनावों का जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही शंभू कुमार सिंह ने अपने गृह लोकसभा क्षेत्र वैशाली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज तक शंभू कुमार सिंह ने सिर्फ समाज सेवा की है। वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं थे, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते थे, लेकिन बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को बहुजन होने के नाते वह समर्थन करते थे, क्योंकि वह नेता अब बने हैं, लेकिन एक बहुजन पत्रकार, बहुजन शुभचिंतक बहुत पहले से हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य सवाल पर कि शंभू कुमार सिंह किस दल से चुनाव लड़ने वाले हैं, और क्या ऐसी बात है जिसके वजह से इतना कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ दिन पहले नेशनल दस्तक पर यह बताया गया था कि शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी का एक पैड वायरल हुआ, जिस पर शंभू कुमार सिंह का नाम लिखा हुआ है, और यह बताया गया कि नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह आजाद समाज पार्टी से बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही यह दोनों बातें सामने आई, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलने की बात और आजाद समाज पार्टी से टिकट मिलने की बात, वैसे ही लोगों के बीच में भ्रम फैल गया, जिसका कि स्पष्टीकरण अभी भी शंभू कुमार सिंह ने नहीं किया है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तो कोई भी ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है कि वह आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, या बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी के ट्विटर हैंडल से कहीं भी शंभू कुमार सिंह को टिकट देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं पे आजाद समाज पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी शंभू कुमार सिंह को कोई भी टिकट देने की घोषणा नहीं हुई है। और अब तक शंभू कुमार सिंह ने जितने भी पोस्टर वायरल किए हैं, वहां पर किसी भी पार्टी का वह जिक्र नहीं कर रहे हैं। जितने भी वह स्पीच और भाषण दे रहे हैं, सिर्फ उसमें वह बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, वह किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वह राजनीतिक दल की बात कर भी रहे हैं, तो सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD हो, किसी भी पार्टी की वह बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन की बात कर रहे हैं। इसके सिवाय वह किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि शंभू कुमार सिंह को अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक रूप से टिकट की घोषणा नहीं की है। हो सकता है शंभू कुमार सिंह जी निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, आपको क्या लगता है कि शंभू कुमार सिंह को किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, या किस पार्टी को शंभू कुमार सिंह जी को टिकट दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।